हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 10 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होती आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा 6 संस्थानों को। इनमें से 3 सार्वजनिक सेक्टर के हैं और 3 संस्थान निजी सेक्टर के हैं। सार्वजनिक सेक्टर के जो संस्थान वे हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई महाराष्ट्र और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, और निजी सेक्टर जियो इंस्टीट्यूट पुणे ग्रीनफील्ड श्रेणी के तहत बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी राजस्थान और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल कर्नाटक। और नेक्स्ट है, इस योजना के तहत उत्कृष्ट संस्थान के रूप में चयनित प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान को 5 वर्षों की अवधि में 1,000 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस ऐतिहासिक निर्णय से चयनित संस्थानों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान बनने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रेग्जिट का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन के ब्रेग्जिट मिनिस्टर डेविड डेविस और उनके एक डेप्यूटी ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और प्रधानमंत्री टेरिजा मे के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका, क्योंकि वह ब्रेग्जिट के बाद भी यूरोपीय संघ के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों को बनाए रखने के लिए अपनी पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले आते हैं ब्रेग्जिट का मतलब क्या है। ब्रेग्जिट 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, यानी जिसका मतलब है ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ेगा। यूरोपीय संघ 28 यूरोपीय देशों की आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ, और इसके पीछे सोच यह थी कि जो देश एक साथ व्यापार करेंगे वो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करने से बचेंगे। तब से लेकर अब तक ये एक बाजार के तौर पर विकसित हुआ। इसके तहत देशों में सामान और लोगों को बेरोक टोक आवाजाही होने लगी, मानो सभी देश पूरा एक देश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्नलिखित स्थानों में से 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसमें आंसर आएगा वैंकूवर कनाडा में। और इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व भर में लोगों द्वारा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और व्यवहार में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मृदुमलाई टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित कर दिया है। MTR यानी मृदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा तमिलनाडु राज्य में। और इस कदम से निर्माण और वाणिज्य खनन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगेगा, और नीलगिरी यानी तमिलनाडु में रिजर्व के आसपास होटल और रिसोर्ट्स को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसमें आंसर आएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट ओजोस डेल सलादो का संबंध किस पर्वतमाला से है? तो इसमें आंसर आएगा यह एंडीज पर्वतमाला में है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है, जो 6,962 मीटर ऊंची है, और अमेजन नदी यहीं से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 15 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक के साथ 100 मिलियन यूरो ऋण के लिए समझौता किया है? तो इसमें आंसर आएगा फ्रांस डेवलपमेंट बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा INS त्रिकांड का संबंध किस देश से है? तो इसमें आंसर आएगा यह भारत का नवीनतम फ्रंटलाइन युद्धपोत है, और INS त्रिकांड सद्भावना दौरे पर हाल ही में श्रीलंका पहुंचा है। अत्याधुनिक युद्धपोत INS त्रिकांड विभिन्न तरह के हथियारों से लैस है, और हवा जमीन और जमीन के नीचे तीनों ओर से आने वाले खतरों को भांपने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। और INS त्रिकांत का निर्माण रूस के कैलिनिनग्राद शिपयार्ड में हुआ है।
यह भारतीय नेवी में जून 2013 से सेवाएं दे रहा है और यह जहाज युद्ध के दौरान छुप कर लड़ सकता है, और वहीं इसके डिजाइन के चलते यह रडार की पकड़ में भी कम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल ओडांतजे को किस उपन्यास के लिए गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा द इंग्लिश पेशेंट के लिए। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ट्रेन 18 का संबंध में कौन से कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है यह भारत की सेमी हाइट स्पीड ट्रेन है। नेक्स्ट है, इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने किया। नेक्स्ट है, इसकी कुल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। आपके ये तीनों पॉइंट ठीक है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसके कुछ अन्य फीचर्स हैं, जैसे इस ट्रेन के ऑटोमेटिक दरवाजे दिए गए हैं, वाईफाई की सुविधा होगी, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मॉड्यूलर टॉयलेट्स है जो कि बायो वैक्यूम सिस्टम से लैस है, और व्हीलचेयर के लिए अलग से स्पेस है, और सभी कोचेज के लिए एसी चेयर कार से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार टॉप 25 ताकतवर देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें आंसर आएगा 15वां स्थान है, और इस सूची में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहले भारत पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में, और इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री के जे अल्फोंस के द्वारा की गई। आईटीएम 2018 के लिए उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया, सीआईएस देश और लैटिन अमेरिका के देशों से क्रेता प्रतिनिधित्वों को आमंत्रित किया जाएगा। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, किस मेगा सौर ऊर्जा परियोजना ने दिल्ली मेट्रो की सेवा के संचालन शुरू कर दिए हैं? आपके ऑप्शन है रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र, मिर्जापुर सौर ऊर्जा संयंत्र, नारोरा सौर ऊर्जा संयंत्र, और इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक विश्व कप 2018 में स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शन है साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, पीवी सिंधु, और इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फोन निर्माण फैक्ट्री आरंभ की है? ऑप्शन है एप्पल, सैमसंग, जोलो और माइक्रोमैक्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।